हेलो फ्रेंड्स, मैं सुप्रिया सिंह आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल इजी किचन हैक्स में। तो आज मैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा अच्छी लगे तो शेयर भी करिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं लच्छा परेठा। इसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 कप गेहूं का आटा। मैंने गेहूं का आटा लिया है, आप चाहे तो मैदा भी ले सकते हैं। अब इस गेहूं के आटे में हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच तेल, आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हमें आटा गूंथना है। बिल्कुल वैसा ही आटा गूंथना है जैसा कि हम रोटी या फिर परेठे के लिए गूंथते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है नॉर्मल पानी और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटा गूंथ लेंगे। अब इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा तेल या फिर घी और लगा के एक बार अच्छे से इसे स्मूथ कर लेंगे 1 मिनट तक मसलते हुए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा आटा गूंथ करके तैयार है। अब इस आटे को हम ढक करके 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे 10 मिनट हो गए। लच्छे पराठे के लिए आटा जो आप लेते हैं वो थोड़ा ज्यादा ही लीजिए। यहाँ पे मैंने ले लिया है थोड़ा सा सूखा आटा, इसे हम बेलेंगे और जितना पतला हो सकता है आपसे आपको उतना पतला बेलना है इसे। ये देखिए मैंने इसे बेल लिया है, ये गोल नहीं है तो कोई बात नहीं है, इतनी ट्रांसपेरेंट है कि नीचे का जो फ्लोर है वो भी दिख रहा है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। लच्छे पराठे घी में बनाए जाए तो ही अच्छे बन करके तैयार होते हैं। आप तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं लेकिन इसमें जो स्वाद है घी से बनाया जाए तो ही अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से घी लगा लिया है। इस रोटी को हम कट करेंगे तो आप इस तरीके से एकदम पतली पतली स्ट्राइप्स कट करिएगा। जितना पतला आप काट सकते हैं उतना पतला आपको काटना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे कट कर लिया है। अब चाकू की हेल्प से या फिर अपनी हाथ की हेल्प से आपको इस तरीके से करना है। ये देखिए आप अपनी चाकू की हेल्प से भी कर सकते हैं, मतलब हमें सारे जो भी स्ट्राइप्स हमने यहाँ पे कट किए हैं उनको कलेक्ट करना है, जमा करना है एक साथ। ये देखिए हमने इसे जमा कर लिया है। अब इसके ऊपर हम वापस से घी लगाएंगे, आप तेल या घी कुछ भी लगा सकते हैं। और अब इसे हम रोल करेंगे ऐसे और बीच में इस तरीके से इसे बाहर निकालेंगे पीछे की तरफ से। फ्लोर पे रखिए, हाथ से ही ऐसे ऐसे प्रेस करते जाएंगे और बड़ा कर लेंगे एक रोटी के साइज का। आप चाहें तो आप बेल भी सकते हैं, बेलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरीके से ही हमारा जो लच्छा परेठा होता है वो बनाया जाता है, बेला नहीं जाता है। अगर आप चाहें तो आप बेल भी सकते हैं, बिल्कुल आपके ऊपर है। हाथ से ही मैं जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा इसे इस तरीके से फैला ले रही हूँ। ये देखिए एक रोटी की साइज का हमारा जो लच्छा है वो बन करके तैयार हो गया। इस तरीके से ये खुलेगा और कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हम लच्छा परेठा बना रहे हैं तो लच्छे इसमें स्टार्टिंग से ही दिखने ही लगते हैं। मैंने ले लिया है लोहे का तवा, आप कोई भी तवे पे सेक सकते हैं। इस पे डालेंगे ये पराठा। गैस की फ्लेम को आपको मीडियम रखना है। हम यहाँ पे लगाएंगे घी। लच्छे पराठे में घी या फिर तेल का यूज भरपूर किया जाता है, यहाँ पे थोड़ी भी कंजूसी नहीं होती है घी या तेल लगाने में। इसे हम दोनों तरफ से पलटते हुए अच्छी तरीके से सेकेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों तरफ से सिक करके तैयार हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे लच्छे पराठे बन करके तैयार है और आप इसके लच्छे देख सकते हैं। आप जितना ज्यादा मोटा, आप जितना ज्यादा बड़ा बॉल्स लेंगे उतना ही ज्यादा लच्छे इसमें बन करके तैयार होते हैं। ये मैंने थोड़ा छोटा बनाया है जो कि हाथ से बनाया था। मेरे लच्छा पराठा की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।